हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन है, तीसरा वीडियो है। दोस्तों, जैसा कि बीपीएससी टीजीटी के लिए आपकी प्रिपरेशन के ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्द ही आपको दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा, उसको देखते हुए मैं चैप्टर वाइज सभी टॉपिक का एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको डेली बेसिस पे करा रही हूँ। आप डेली बेसिस पे मेरे साथ प्रैक्टिस करिए एंड अपना सेल्फ स्टडी पर भी ध्यान दीजिए। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों कि ध्यान तनाव को किस प्रक्रिया द्वारा घटाता है। घटना यहाँ पे नहीं है, टाइपिंग में गलती हुआ है। ध्यान जो है तनाव को किस प्रक्रिया द्वारा घटाता है, तो बाय विच प्रोसेस डज स्ट्रेस एक्यूर। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर होगा अनुकंपीय तंत्रिकीय क्रिया को घटाकर, बाय रिड्यूसिंग सिंपैथेटिक नर्वस एक्टिविटी। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है, इसके पहले पार्ट में, कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र को तीन भागों में बांटा गया है, सीएनएस, पीएनएस, एएनएस। सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके अंतर्गत हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। दूसरा पार्ट है पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसके अंतर्गत 43 जोड़े नाड़ियां आती हैं, जिसमें से 12 जोड़े नाड़ियां दिमाग यानी कॉर्निथल नाड़ी निकलती हैं और 31 जोड़े नाड़ियां स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, जिसमें से तीसरा पार्ट होता है एएनएस यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है, जिसका हमारे इच्छाओं का कोई नियंत्रण नहीं होता, यानी यह मस्तिष्क के आदेशों पर निर्भर नहीं करता, यह ऑटोमेटिक काम करता है दुख, शोक या प्रसन्नता पर। जब हम क्रोध में होते हैं या कोई खतरा होता है, शोक या उत्तेजना होता है, तनाव होता है, उस समय हमारा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र एक्टिव हो जाता है यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और उस समय हमारे नेत्र की पुतली फैल जाती है, लार का बनना बंद हो जाता है, पाचक एंजाइम निकलना बंद हो जाता है, चेहरा पीला पड़ जाता है, पसीना निकलने लगता है, हृदय धड़कन तेज हो जाता है, उसर्जी अंगों की पेशियां शिथिल पड़ जाती हैं। पर जब हम आराम की स्थिति में होते हैं, प्रेम, खुशी, हर्ष, उत्साह की स्थिति में होते हैं, प्रसन्नता की स्थिति में होते हैं, उस समय अनुकंपी तंत्रिका तंत्र यानी पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। उस समय आराम की स्थिति में, शांत अवस्था में, नेत्र की पुतली सिकुड़ती है, पसीना की ग्रंथियां निकल पसीने की श्वेत ग्रंथि से पसीने की स्त्राव को घटाता है, लार ग्रंथियों का स्त्राव बढ़ता है, जिससे पाचन क्रिया दुरुस्त होती है, एंड हृदय स्पंदन को घटाता है, श्वसन दर तथा रक्तचाप को कम करता है। तो दोस्तों, तनाव को के समय, विपत्ति के समय अनुकंपी एक्टिव रहता है, और शांत अवस्था में परानुकंपी यानी पैरासिंपैथेटिक। तो यहाँ पे ध्यान जो है तनाव को किस प्रक्रिया द्वारा घटाता है, तो हम अनुकंपी तंत्र की क्रिया को घटाएंगे, तभी तो हम तनाव को घटाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में डिस्ट्रेस किससे उत्पन्न नहीं हो सकता। शरीर में वाई कैन नॉट डिस्ट्रेस अराइज इन द बॉडी, तो शरीर में डिस्ट्रेस किससे उत्पन्न नहीं हो सकता। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं उच्च रक्तचाप से आपका डिस्ट्रेस, आपका मन खराब होगा, तनाव में आएंगे, दर्द से भी होगा, ट्यूमर से भी होगा, बट सुखद विचार से यानी कि प्लेजेंट थॉट, विद प्लेजेंट थॉट से आपको डिस्ट्रेस उत्पन्न नहीं होगा। उसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर एंड पेनफुल स्थिति एंड फ्रॉम ट्यूमर, इस सब से आपको डिस्ट्रेस उत्पन्न होगा। एंड
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंड्राइट्स तंत्रिका आवेगों को ले जाते हैं। डेंड्राइट्स कैन कंडक्ट नर्व इम्पल्स। तो दोस्तों जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है वो हमारा न्यूरॉन से बना होता है। हमारा न्यूरॉन जो है इस टाइप का होता है। क्या है ये? आपका सेल बॉडी है बीच वाला हिस्सा, ये आपका है डेंड्राइट्स जो हमका ऐसे निकला हुआ है, और ये आपका होता है, ये निकला होता है हमारा एक्सॉन। इस प्रकार का हमारा न्यूरॉन होता है। तो ये हमारा डेंड्राइट्स है। तो डेंड्राइट्स जो है संदेशों को प्राप्त करता होता है, ये डेंड्राइट्स है, और ये आपका एक्सॉन है जो पूंछ जैसा है, सेल बॉडी से बाहर निकला है। तो डेंड्राइट्स जो है वो संदेश प्राप्त करता होता है, और जो एक्सॉन होता है वो संदेश को प्रेषक करता, भेजने वाला होता है। तो डेंड्राइट्स जो है संदेशों को प्राप्त करके सेल बॉडी की ओर ले जाता है। डेंड्राइट्स जो है उस संदेशों को प्राप्त करके कहाँ ले जाता है? प्राप्त करके सेल बॉडी की ओर ले जाता है। एंड जो एक्सॉन होता है वो सेल बॉडी से, सेल बॉडी से, यहाँ सेल बॉडी है आपका बीच में, ये आपका सेल बॉडी से दूसरे न्यूरॉन की तरफ या पेशियों की तरफ ले जाता है। कौन? एक्सॉन। तो डेंड्राइट्स तंत्रिका आवेगों को ले जाते हैं किधर दोस्तों? सेल बॉडी की ओर। कहाँ? सेल बॉडी की ओर। ऑप्शन नंबर सी, टुवर्ड्स द सेल बॉडी आपका राइट होगा। और एक्सॉन जो है सेल बॉडी से दूर ले जाता है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाइमस ग्रंथि से स्त्रावित हार्मोन किन कोशिकाओं के प्रफुल्लन एवं परिपक्वता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम द थाइमस ग्लैंड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रोलिफरेशन प्रोलिफेरेशन एंड मैचुरेशन ऑफ विच सेल्स। तो थाइमस ग्रंथि से जो स्त्रावित हार्मोन्स होती है वो कोशिकाओं के प्रफुल्लन और परिपक्वता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो किन कोशिकाओं के? यहाँ पे आप अगर ध्यान देंगे तो आसानी से, नहीं आता रहेगा तो भी क्वेश्चन का आंसर दे लेंगे। जैसे कि आप जानते हैं डेल्टा सेल, अल्फा सेल एंड बीटा टेस्ट सेल, ये तीनों अग्नाशय यानी पैंक्रियास के लंगे हैं, इसकी दीपिकाओं की सेल है, जिससे डेल्टा सेल से ग्लूकेगन एंड बीटा सेल से आपका इंसुलिन स्रावित होता है, अल्फा सेल से ग्लूकेगन और बीटा से इंसुलिन और डेल्टा से सोमेटोस्टेटिन स्रावित होता है, जबकि टी सेल जो है आपका थाइमस ग्रंथि से स्रावित हार्मोन जो है इन कोशिकाओं यानी कि टी सेल की कोशिकाओं को प्रफुल्लन एवं परिपक्वता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एंड ये जो थाइमस ग्रंथि है एक लिम्फेटिक अंग है, और जो लिम्फोसाइट का निर्माण भी करता है, और टी सेल जो है बैक्टीरिया को एंटीबॉडीज का निर्माण करता है जो बैक्टीरिया से शरीर की रक्षा भी करता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में स्पाइनल तंत्रिकाओं की कुल संख्या होती है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन द ह्यूमन बॉडी? तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया है जो पीएनएस होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से 43 जुड़े नाड़ियाँ निकलती हैं, जिसमें से 12 जुड़े दिमाग से और 31 जुड़े स्पाइनल नाड़ी से निकलती है। तो कितना होगा आपका? राइट आंसर होगा 31 जुड़े, 31 पेयर्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनवियर की एक ग्रंथि से दूसरी ग्रंथि में तंत्रिका आवेग का रुकना क्या कहलाता है? What is the stopping of nerve impulse from one gland of Renvier to another cells? तो रेनवियर की एक ग्रंथि से दूसरी ग्रंथि में तंत्रिका आवेग का रुकना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है प्रवलगी संवहन। क्या कहलाता है? प्रवलगी संवहन यानी कि मास कन्वेक्शन। तो दोस्तों जो रेनवियर होती है यह कहाँ पे होती है? क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि रेनवियर नोड कहाँ पाया जाता है, रेनवियर नोड कहाँ पाया जाता है? तो जो हमारा न्यूरॉन होता है उसमें एक्सॉन और डेंड्राइट्स होता है,
जो डेंड्राइट्स होता है, एक्सॉन होता है, वह उस पर दो खोल चढ़ी होती है, मेम्ब्रेन से ढका होता है, जिसमें से एक्सॉन जो है दो प्रकार के खोल से, एक्सॉन पर दो प्रकार के से जो खोल होते हैं चढ़े रहते हैं, वो होते हैं पोसा कला यानी एक्सॉन मेम्ब्रेन, वो दो खोल होते हैं मायलिन खोल और न्यूरिलेमा खोल। कौन कौन से दो खोल से ढका रहता है एक्सॉन? मायलिन खोल और न्यूरिलेमा खोल। मायलिन खोल को मेडुलरी खोल भी कहते हैं। एक्सॉन झिल्ली के बाहर स्थित होता है मायलिन खोल, और बीच बीच में खांचे के रूप में दबा होता है, जिसे रेनवियर नोड कहते हैं, और दो नोड के बीच के स्थान को इंटर नोड कहते हैं। तो यहाँ पे रेनवियर नोड की एक ग्रंथि से दूसरी ग्रंथि में तंत्रिका आवेग जब रुक जाता है उसको हम प्रवलगी संवहन कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर व उसके अंगों की रक्षा तथा सहारा देने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द टिश्यू दैट प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट्स द बॉडी एंड इट्स ऑर्गन सेल्स? तो वो है आपका कनेक्टिव टिश्यू। कौन है? कनेक्टिव टिश्यू एक दूसरे को सहारा देता है, सभी अंगों को बांध के रखता है, कनेक्ट करके रखता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल्फैक्टरी एक तंत्रिका है, ऑल्फैक्टरी एक तंत्रिका है, ऑल्फैक्टरी इज नर्वस। तो दोस्तों ऑल्फैक्टरी जो हमारे दिमाग से 12 जोड़ी नाड़ियां निकलती है, उसमें से प्रथम नाड़ी होती है ऑल्फैक्टरी, जो हमारे सूंघने से संबंधित होती है। किससे? सूंघने से संबंधित होती है। और दूसरा नाड़ी निकलता है ऑप्टिक नर्व, जो आंख को प्रकाश का ज्ञान करती है। तीसरा ऑकुलो मोटर, जो आंख में नेत्र गोलक से संबंध रखता है। चौथा ट्रॉक्लियर, जो कड़ के संवेदना का संवहन होता है। और पांचवा ट्राइजेमिनल, जो जीभ के अग्रभाग में पाया जाता है। छठा जो है एव्यूडेंस, जो नेत्र में पाया जाता है। सातवां कपाल तंत्रिका हमारे फेस यानी चेहरे पर पाया जाता है, फेसियल। आठवां ऑडिटरी, जो कॉक्लियर होता है, वो हमारे वेस्टिब्यूलो आंतरिक कान के संतुलन का कार्य करता है। नौवां होता है ग्लासोफेरेंजियल, जीभ के गस यानी पश्च भाग में होता है। दसवां तंत्रिका, सबसे बड़ी तंत्रिका होता है वेगस तंत्रिका, जो हृदय और फेफड़ों में आवेगों को भेजता है। एंड ग्यारहवां होता है स्पाइनल एक्सेसरी, जो मस्तिष्क व स्वरयंत्र से संबंधित होता है। बारहवां हाइपोग्लॉसल, जो जीभ के पेशियों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी कपाल तंत्रिका नेत्र गति के लिए जिम्मेदार है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्वस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आइज मूवमेंट? तो किस कौन है? वो है आपका उपचालक तंत्रिका। क्या है? सेमी कंडक्टिंग नर्व, उपचालक तंत्रिका, जो नेत्र कोटरों को बाहर की ओर घुमाने का कार्य करती है। एंड नेक्स्ट है, निम्न हार्मोनों में से किसका प्रभाव सबसे अधिक तंत्रिका परिवर्तन पर पड़ेगा? तो विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन विल हैव द ग्रेटेस्ट इफेक्ट ऑन न्यूरल चेंजेज? तो तंत्रिका परिवर्तन पर सबसे ज्यादा किस हार्मोन्स का प्रभाव पड़ेगा? तो वो है आपका टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर बी, या एक पुरुष सेक्स हार्मोन्स है। नेक्स्ट है, स्वचालित नाड़ी प्रणाली नियंत्रित करती है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यहाँ पे होगा, पल्स नहीं होगा, ठीक है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किसको नियंत्रित करती है? जैसे कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सभी आंतरिक अंगों को नियंत्रित करती है, ये मस्तिष्क के आदेशों पर निर्भर नहीं करती है, ये अपने आप होता है। ऑटोनॉमिक यानी कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोमेटिक होता है। जैसे शरीर के सभी आंतरिक अंगों, जैसे कि अग्नाशय यानी पैंक्रियाज, अमाशय यानी स्टोमच, लीवर, आंतें और रक्तवाहिनियों की तंत्रिकाओं की आपूर्ति करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक अंग यानी कि इंटरनल ऑर्गन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक तंत्रिका रेशा और सभी पेशी रेशे तंत्रिका में इस स्फूर्ति
तंत्रिका में स्फूर्ति उत्पन्न करते हैं तो उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? यदि एक तंत्रिका रेशा और सभी पेशी रेशे तंत्रिका में स्फूर्ति उत्पन्न करते हैं तो उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है मोटर यूनिट। क्या कहा जाता है? मोटर यूनिट। यानी कि एक तंत्रिका रेशा और सभी रेशे पेशी रेशे से तंत्रिका में स्फूर्ति उत्पन्न करते हैं तो उसे मोटर यूनिट कहते हैं। मोटर यूनिट मांसपेशियों के संकुचन की क्रियात्मक इकाई है और इसमें मोटर तंत्रिका फाइबर और मांसपेशियों के तंतुओं के शामिल किया जाता है। मोटर इकाइयों का एक संग्रह मोटर पूल के रूप में भी जाना जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी शारीरिक प्रणाली प्रक्रिया का केंद्र बिंदु मानी जाती है? तो सारी जितनी भी शारीरिक प्रणाली हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल सिस्टम इज कंसिडरेड टू बी द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द प्रोसेस? तो हमारे जो शरीर प्रणाली है, फिजियोलॉजिकल सिस्टम है, इसको कंसिडर करती है, केंद्र बिंदु मानी जाती है, तो कौन माना जाता है? तो इसका सभी का केंद्र बिंदु हमारा तंत्रिका प्रणाली यानी कि नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम नहीं रहेगा तो ये शरीर का ढांचा किसी काम का नहीं है, यानी कि इसका मेन है तंत्रिका प्रणाली, केंद्र बिंदु है तंत्रिका नर्वस सिस्टम। अब जो तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, विशेष प्रकार की कोशिकाओं जिन्हें न्यूरॉन कहा जाता है, हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन, एक प्रकार का न्यूरॉन का जाल होता है हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है, और न्यूरॉन तंतु अथवा बंडल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। और तंत्रिका तंत्र बहुत ही जटिल और संगठित संरचना है जिसमें वातावरणीय परिवर्तन उद्दीपनों को ग्रहण करने की, जैसे कि आप जान ही रहे हैं कोई भी एक्टिविटी होता है बिना तंत्रिका तंत्र के आवेगों के कुछ भी संभव नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेगों को ले जाने में एक्सॉन की क्या भूमिका रहती है? तो अभी जस्ट मैं बताई हूँ, What is the role of axon in conducting impulse? तो आवेगों को ले जाने में axon की क्या भूमिका रहती है? ये हमारा dendrites है, जैसे हमारे न्यूरॉन के तीन भाग है, axon, dendrite and cell body। तो हमारे ये cell body बीच वाला हो गया, यहाँ पे हमारा हो गया axon। axon क्या करता है? ये जो dendrites है संदेश को प्राप्त करके cell body की तरफ ले जाता है, एंड जो एक्सॉन है सेल बॉडी से दूर ले जाता है, सेल बॉडी से दूसरे न्यूरॉन की तरफ या हमारे कार्यकारी अंगों की तरफ ले जाता है। तो यहाँ पे कौन राइट होगा दोस्तों ऑप्शन? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेल बॉडी से दूर यानी अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नायु तंत्र की धड़ वाहिनी यानी ट्रंक लाइन है, स्नायु तंत्र की धड़ वाहिनी यानी ट्रंक लाइन किसे कहा जाता है? तो व्हाट इज द ट्रंक लाइन ऑफ द नर्वस सिस्टम? तो स्नायु तंत्र या नर्वस सिस्टम की ट्रंक लाइन किसे कहा जाता है? तो वो होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड मेल भूमिका निभाता है, ये हमारे नर्वस सिस्टम का ट्रंक लाइन यानी कि धड़ वाहिनी कहा जाता है, जो हमारे गर्दन के सबसे पश्च मस्तिष्क यानी मिडिला ऑब्लॉन्गेटा से नीचे के स्थायित्व होता है, हमारे स्टार्ट होता है हमारे गर्दन से लेकर ऊपर हमारे हिप तक जाता है, एकदम पूंछ के रूप में समाप्त होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच से गुजरता है। तो इसने तो स्पाइनल कॉर्ड मध्य तंत्रिका तंत्र का वह भाग है जो यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का वह भाग है जो मस्तिष्क के नीचे से एक रज्जु यानी रस्सी के रूप में पश्च कपाल अस्थि के पिछले और निचले भाग में स्थित महारंध्र फोर वेन मैग्मम द्वारा कपाल से बाहर आता है, और कशिकाओं के मिलने से जो लंबा कशिका दंड जाता है उसी बीच की नली में हमारी रीढ़ की हड्डी से गुजरता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, इसे ट्रंक लाइन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हॉट फ्लैश बाधित निद्रा तथा भावात्मक परिवर्तन किसके विशिष्ट लक्षण हैं? तो ये लक्षण है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट है, मेनोपॉजल सिंड्रोम का, ये रजोनिवृत्ति अवस्था होती है महिलाओं की। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रज्ञापराध में सम्मिलित नहीं है, इज नॉट इन्वॉल्व इन प्रज्ञापराध। तो दोस्तों प्रज्ञापराध में सम्मिलित कौन है? तो धृति भ्रंश सम्मिलित है, धृति भ्रंश एंड स्मृति भ्रंश,
ये प्रज्ञापराध में सम्मिलित है बट आपका मनोवृत्ति भ्रंश यानी कि एटीट्यूड डिसऑर्डर सम्मिलित नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दों अंकों व सूत्रों को समझने के लिए कौन सी बुद्धि आवश्यक होती है? विच इंटेलिजेंस इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड वर्ड्स नंबर्स एंड फार्मूलाज? तो यहाँ पे इसके लिए अमूर्त बुद्धि की आवश्यकता होती है, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस की आवश्यकता होती है। जैसे थॉर्नडाइक ने बुद्धि के तीन प्रकार बताए हैं, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि। अमूर्त बुद्धि में जो गणितज्ञ होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो आते हैं, वो शब्दों अंकों को अच्छे से समझते हैं। एंड मूर्त बुद्धि में व्यापारी आते हैं जो वस्तुओं के गुणों को अच्छे समझते हैं। सामाजिक बुद्धि में आपका नेता एंड बड़े बड़े लीडर्स आते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोफीडबैंक वह तकनीक है, बायोफीडबैंक वह तकनीक है जिसके प्रयोग द्वारा व्यक्ति नियंत्रण द्वारा शांत होना सीखता है। बायोफीड इज ए बैंक एंड टेक्नोलॉजी यूजिंग विच ए पर्सन कैन बिकम क्लेम थ्रू कंट्रोल। तो बायोफीड में वह तकनीक है जिसके द्वारा व्यक्ति नियंत्रण व शांत होना सीखता है, तो वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, संवेदी आवेगों का इनपुट। यानी बायोफीडबैक वो तकनीक है जिसके प्रयोग द्वारा व्यक्ति संवेदी आवेगों का इनपुट नियंत्रण द्वारा शांत होना सीखता है। बायोफीडबैक का इस्तेमाल स्वास्थ्य प्रदर्शन और शारीरिक परिवर्तनों में सुधार करने के लिए किया जा सकता है, जो अक्सर विचारों, भावनाओं और व्यवहार में बदलाव के साथ संयोजन में होते हैं। आखिरकार इन परिवर्तनों को अतिरिक्त उपकरण के उपयोग के बिना बनाए रखा जा सकता है, क्योंकि कोई भी उपकरण जो फीडबैक के अध्ययन के लिए आवश्यक नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। तो दोस्तों इसी तरह आप डेली बेसिस मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, एंड जो भी डाउट होगा कमेंट में बताइए। एंड नेक्स्ट वीडियो होगा उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रेटरी सिस्टम से, उसके बाद आपका डिजीज यानी विभिन्न रोगों से रिलेटेड क्वेश्चंस होगा, उसके बाद जो स्पोर्ट ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड किनेसियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स एंड टेस्ट मेजरमेंट, इवोल्यूशन आदि से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।